प्रदेश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था वक्ता मंच ने अपनी प्रतिभा से भविष्य को गढ़ रहे 100 बाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इन बच्चों में कोई नृत्य में आगे है तो किसी ने खेलों में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। इस सम्मान समारोह में कई बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी है। सम्मानित हुए बच्चे में कई कराटे के दाव पेच में कुशल है तो कोई भरतनाट्यम में महारत हासिल किए हुए हैं। इतनी कम उम्र में अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन कर रही बाल प्रतिभाओं को स्वर्गीय सिद्धार्थ शर्मा की स्मृति में मोमेंटो अभिनंदन पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। वक्ता मंच के अध्यक्ष राजेश पात्रे ने कहा कि वक्ता मंच द्वारा विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है जो नवोदित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने आगे भी अनवरत जारी रहेगा। पहला शायद ऐसा कार्यक्रम था पूरे रायपुर शहर में कि वक्ता मंच द्वारा 100 बाल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ये बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम था। इससे हम जैसे बच्चों को भी एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस फील्ड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बचपन से कविताएं लिखते आ रहा हूँ, अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं देश के लिए अब कविताएं लिखूं। अब हास्य व्यंग बहुत हो गया, अब वीर रस पे कविताएं लिखी जाए। और जैसे कि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, हरिओम पवार जैसी शख्सियत, उनके जैसा तो खैर बनना मेरा भी सपना है, और इन्हीं मंचों के द्वारा मैं वैसा शायद बन सकता हूँ। हमारे प्रदेश की सामाजिक संस्था वक्ता मंच की ओर से यहाँ 100 बाल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ये बाल प्रतिभाएं हमारे शहर की है जो खेल, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर तक प्रतिनिधित्व कर चुकी है और हमारे शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ये सारी प्रतिभाएं 18 साल से कम उम्र की है और ये नन्हे हाथ अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपने देश और प्रदेश को गढ़ रहे हैं। हर वर्ष हमारी संस्था की ओर से ऐसी बाल प्रतिभाओं को सम्मान किया जाता है। मैं युवक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, साथ ही हाई स्कूल परीक्षा में मेरा राज्य में 5वां स्थान आया है और मैं रायपुर जिले में प्रथम हूँ। यहाँ वक्ता मंच के द्वारा आज बाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें रायपुर जिले से विभिन्न प्रतिभाओं के छात्रों को सम्मानित किया गया। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा जहाँ हर छात्रों को उनके उत्साहवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो हमारे माताएं बहनों को बुलाते और आए दिन हमारे सैनिकों के सर काट देते हैं, माताएं बहनों को बुलाते और उनके वस्त्र उतार देता है। तो इस मौके पर हम कैसे मनाएं होली दिवाली, 4 पंक्तियां छंद के तौर पर निवेदित करता हूँ कि कैसे मैं मनाऊं होली दिवाली, कि कैसे मैं मनाऊं होली दिवाली, फटाके फोड़ता हूं तो वीर जवानों का बलिदान याद आता है, उनका महान त्याग घर परिवार छोड़ रात दिन सीमा को प्रणाम याद आता है, और जो दिखाए आंख, और जो दिखाए आंख उसको निकाल लेना, वीर जवानों का शीश दान याद आता है, और तिरंगे की शान में मां भारती के चरणों में रणवाकुरों का प्राण दान याद आता है, रणवाकुरों का प्राण दान याद आता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।